Bismillahir rrahmanir rahim. Assalamualaikum student. Today I'm going to solve the intermediate question of exercise 4A of D2 updated 7th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Exercise 4A question number 10. U is equal to x such that x is an integer between 0 and 10. X is not a prime number. List all the element U, C and C dash in set notation. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेट फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को लिख लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं? इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10। याद रखें कि 0 और 10 के इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बिटवीन जो भी वैल्यू आ रही हैं इंटीजर्स में वो हम लिख लेंगे। इंटीजर्स आपको बताया था कि होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर होल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये तमाम एलिमेंट्स यू के आ जाएंगे। उसके बाद हमने सी के एलिमेंट्स क्या हैं? सी एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं और जिसके 2 फैक्टर नहीं हैं वो नॉट प्राइम हैं। देखें यहाँ पर जिन के 2 फैक्टर हैं वो हैं 2, 3, 5, 7। तो हम इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 4, 6, 8, 9। तो ये हमारे सी के एलिमेंट आ जाएंगे और इसको हम लिख लेंगे। अब हमारे पास आ जाता है सी डैश। सी डैश के बारे में मैंने इंट्रोडक्शनी वीडियो में भी बताया था। सी डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ यू अदर देन सी आपने लिखने हैं। अदर देन सी यानी सी के एलिमेंट को निकाल कर जो एलिमेंट बच गए हैं वो आपने लिखने हैं। तो आप नोट करें कि यहाँ पर जो एलिमेंट बच गए हैं सी के निकाल कर यू के वो हैं 2, 3, 5, 7 और ये एलिमेंट्स आ गए हैं सी डैश के। अब ये पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट सेकंड में वो आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द सेट सी डैश इन वर्ड्स। तो देखो ये कौन से एलिमेंट्स हैं सी डैश में? 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीज सी डैश इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो राइट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और इसको सेट नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे x such that x is a prime number between 1 and 10। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11, इट इज गिवन दैट u इज द यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड d इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यू डी एंड डी डैश इन द सेट नोटेशन। देखें यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट यू की है यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग फर्स्ट एंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I और ये एलिमेंट्स हमारे कौन से हो गए हैं? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए हैं। अब हमारे पास किसके एलिमेंट लिखने हैं? डी। डी कौन सा एलिमेंट्स हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में? जो वॉवल के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पर देखें ये ए है, पी है, सी है, डी है, ई नहीं आएगा क्योंकि ये वॉवल है, एफ है, जी, एच, जे, ये तमाम कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब आ गया डी डैश। ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट आपने लिखने हैं अदर देन डी। डी के एलिमेंट निकाल दें। तो डी के एलिमेंट अगर मैं निकाल दूं तो जो एलिमेंट बचेंगे वो कौन से बच जाएंगे? ये मेरे पास ई आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी डैश में ई एंड आई। हमने u माइनस डी भी इसको कहते हैं। u के एलिमेंट्स में से d के एलिमेंट को माइनस कर दें, यानी A, B, C, D, F, G, H, J ये सब निकल जाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो सेकंड पार्ट है कि डिस्क्राइब द सेट d डैश इन वर्ड्स। तो d डैश कौन से सेट हैं? तो d डैश ऑल वॉवल्स ऑफ इन फर्स्ट 10 लेटर्स। d डैश is a set of vowels in first letter of English alphabet. First 10 letter of English alphabet. ये आंसर आ गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 12, it is given that E is equal to X such that X is an integer such that X is greater than 0 and less than equal to 20. F set F X is a positive multiple of 4 that is less than 20. G X is positive integer less than 21. List all element E and F. सबसे पहले यहाँ हम एलिमेंट्स लिख लेंगे E के. तो एलिमेंट्स देखें यहाँ किससे स्टार्ट हो रहे हैं. X is greater than 0 और greater than less X is less than equal to 20. तो 0 से greater जो नंबर है वो है 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएंगे. ये 16, 17, 18 and 19 and 20. F के एलिमेंट हमारे पास क्या है. मल्टीपल ऑफ 4 इज लेस देन 20. मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 20 क्या होंगे. 4, 8, 12, 16 और क्या होंगे. लेस देन 20 नहीं आएगा तो बस यहाँ तक हम लिख लेंगे. और जी के एलिमेंट इसने कहा है कि एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21. तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट 1, 2 से लेकर आप लिख लेंगे कहाँ तक. इसी तरह 19, 18, 19, 20. तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे आ गए. अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि F इज ए सबसेट ऑफ E. F इज ए सबसेट ऑफ E. देखें इसका मतलब ये है इज ए इम्प्रॉपर सबसेट. जिसके नीचे लाइन होगी वो प्रॉपर ये है इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट. अगर लाइन होती तो इम्प्रॉपर. अब हम देखते हैं कि क्या एफ ई का इम्प्रॉपर सबसेट है. तो क्या एफ के तमाम एलिमेंट्स ई में आ रहे हैं. देखो आप नोट करो कि एफ के तमाम एलिमेंट्स ई में हैं. इसमें 4, 8 इसमें मौजूद है क्योंकि मैंने डॉट डॉट डाला है. इसके मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट नहीं है. ये 1, 2, 3, 4 से ये पूरी काउंटिंग है कंटिन्यूस 1 से 20 तक. तो 4, 8 इसमें मौजूद है. 12 भी है. 16 भी है. तो एफ ई का सबसेट है. तो लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ आर प्रेजेंट इन ई. अब वो कह रहा है कि इसमें E इज ए सबसेट ऑफ F. क्या E सबसेट है F का. E सबसेट ऑफ F. तो E सबसेट ऑफ F नहीं है तो हम इसको यहाँ पर सेपरेटली लिख लेते हैं. E यहाँ पर यस लिख लेते हैं. अब है E सबसेट ऑफ F. अब लिखेंगे नो. रीजन क्या लिखेंगे. बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ E are not present in F. देखें हम लिखेंगे all elements of E are not present in F. क्यों नहीं है. देखें E के तमाम एलिमेंट F में नहीं है. 1 नहीं है. 2 नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट नहीं है. अब है थर्ड पार्ट में कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ G. वो मैंने यहाँ पर लिख ली है ऑलरेडी. ये G के एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं. एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी. तो ई एंड जी का रिलेशनशिप आपने शो करना है. तो क्या होगा ई एंड जी का रिलेशनशिप. देखें ई के तमाम एलिमेंट जी में आ रहे हैं. यहाँ पर ये ई के एलिमेंट्स हैं 1, 2 से लेकर 20 तक और जी के एलिमेंट है 1, 2, 3 से 20 तक. तो हम यहाँ लिखेंगे ई इज ए सबसेट ऑफ जी एंड जी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ई. देखें E के तमाम एलिमेंट G में हैं और G के तमाम एलिमेंट E में हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ G बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर प्रेजेंट इन G एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ G आर प्रेजेंट इन E. तो दिस इज ई इज ए इम्प्रॉपर सबसेट. आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इसकी स्टार्टिंग और इसकी पिछली वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question 13, it is given that h is equal to x such that x is rational number, I is equal to x is such that x is an integer. Is I is a subset of h? Yes, I is a subset of h. Reason is that because rational number consists of numbers which expressed in p over q form. In the p over q form, therefore integer included. Now we write rational numbers are numbers that can be expressed as p over q form, where p and q belongs to real numbers. रियल नंबर्स में इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। तो क्या हम लिख सकते हैं, देखें, रियल नंबर पी को, इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स हैं 1 2 3, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं हम 1/1 2/1 3/1। तो देयरफॉर हम वी राइट इट इंटीजर्स इंक्लूड इन रैशनल नंबर्स। This is the answer. अब हम आते हैं next question पे। Question 14 state whether each of the following statement below is true or false. Part A, if U equal to A B C D, A equal to A B C D, A B C, then A dash equal to D E। यहाँ पर नोट करें कि U के एलिमेंट्स हमारे पास हैं A B C D और E के एलिमेंट, A के एलिमेंट्स हैं A B C। तो हमने वो एलिमेंट्स A डैश में लिखने होते हैं जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं अदर देन ए। तो देखें ए में एलिमेंट्स पे क्या क्या आ रहे हैं, ए बी सी, तो ए बी और सी नहीं लिखेंगे, तो डी और ई ए डैश में आएगा। तो यहाँ पर ए डैश में देखें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, डी और ई, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन 14 स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। पार्ट बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, A belongs to set B। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसकी रीजन क्या है वो हम देखते हैं। क्योंकि A B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है तो इसके तमाम एलिमेंट किसमें मौजूद हैं, B में हैं। और जब A के तमाम एलिमेंट B में हैं तो जो A का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको हम B के साथ लिखें, A belongs to B, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, और जिसकी वजह से देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ए इज आल्सो प्रेजेंट इन बी। और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक सेट सी में लिख लेता हूँ, इसके एलिमेंट में ले लेता हूँ 1 2 3 4, और एक सेट में बी ले लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स देखे मैं ले लेता हूँ 1 2 3, और एक और मैं सबसेट एक और सेट ले लेता हूँ ए, और इसके एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2। आप नोट करो कि इस सेट में ए बी का सबसेट है और बी क्यों सबसेट है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट 1 1 2 बी में आ रहे हैं। अब देखिए बी भी इसका सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, क्यों? क्योंकि 1 2 3 सी में आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे बी इज ए सबसेट ऑफ सी। और क्या अब ए के एलिमेंट सी में है? बिल्कुल है, तो इसलिए ए बी सी का सबसेट है इसको अकॉर्डिंग। तो जब ये इस एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में हैं और या यूं कह लें बी के तमाम एलिमेंट सी में हैं, और वो जो ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं वो सी में भी तो होंगे, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ सी। क्वेश्चन 14 स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। पार्ट डी, इफ ए बिलोंग्स टू ए and A belongs to set B, then A set A equal to set B। यहाँ पर नोट करें कि इसमें A B का A set A से belong करता है और A set A और member A जो है set B से भी belong करता है। तो A इक्वल होगा B के। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या रीजन है वो देखें। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये सेट मैंने A ले लिया है, उसके एलिमेंट हैं A, B एंड C, और एक सेट B ले लिया है, इसके एलिमेंट्स हैं A एंड B। अगर आप इसका सबसेट देखें तो A जो एलिमेंट ले A किससे बिलोंग करता है? A से भी बिलोंग करता है, और A जो है वो B से भी बिलोंग करता है, लेकिन A B के इक्वल सेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स है। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट ई, द गिवन स्टेटमेंट इफ A phi इक्वल टू A डैश A इक्वल टू U इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। हमने इसको देखना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और इसकी रीजन है क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रू। अब देखें इसकी रीजन ये है कि A डैश क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ U अदर देन A। A डैश होते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ U अदर देन एलिमेंट्स ऑफ A। तो देखे एक U के तमाम एलिमेंट्स A के इक्वल हैं, तो कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो के रिमेनिंग एलिमेंट्स में आए। तो वो उसकी वजह से हम जब A डैश लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? फाई आएगा। इसको एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं कि एक सेट हम U ले लेते हैं और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और दूसरा सेट A ले लेते हैं, उसके एलिमेंट हैं हमारे पास 1 2 3। अब दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो A डैश क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ U अदर देन A, तो वो कोई भी एलिमेंट नहीं बचता, तो इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15, लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट पार्ट A P इक्वल टू 1 2। यहाँ पर हमने P के सबसेट्स निकालने हैं। सबसेट्स निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए सबसेट कहते किसे हैं। If set A is a subset of B, it means every element of set A is also an element of B। यानी जो भी सेट आप A के एलिमेंट का सेट लिखें उसके हर एलिमेंट B में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर P 1 2 दिया हुआ है, तो हम कोई भी जो सेट सबसेट लिखेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट 1 का सबसेट लिख लिया है, तो ये सबसेट इसके तमाम एलिमेंट सेट P में आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं एलिमेंट 2 के साथ एक सेट लिखता हूं तो इसके भी तमाम एलिमेंट P में आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले लूं तो इसके भी तमाम एलिमेंट P में आ रहे हैं। तो ये तमाम क्या हैं? सबसेट हैं, कि हर एलिमेंट पहले सेट का भी P में है, दूसरे सेट का भी P में है, तीसरे का भी P में आ रहा है, तो ये तमाम सबसेट हैं। और इसमें एक और सबसेट लिखते हैं, वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब टोटल सबसेट्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपने ये चेक करना चाहते हैं कि हमने तमाम सबसेट्स लिख लिए हैं या नहीं, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है 2 पावर n, और इसका n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 4 सबसेट्स बनेंगे, ये 4 हो गए। इसी तरीके से हम पार्ट बी को करते हैं। अब पार्ट बी, ऑल सबसेट ऑफ क्यू सेट पेन इंक रूलर, इसके सबसेट हमने लिखने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टोटल सबसेट कितने बनेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पावर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं, तो 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 सबसेट्स बनेंगे। और लिखने का तरीका क्या है कि आपने जो भी सेट लिखना है उसके तमाम एलिमेंट किस में होने चाहिए? क्यू सेट में मौजूद होने चाहिए। तो Q के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? यहाँ पर आप देखें, Q का एलिमेंट है पेन। पहला एलिमेंट के साथ पहले सबसेट लिख लेंगे, फिर दूसरा सबसेट क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है? इंक, वो लिख लेंगे। तीसरा एलिमेंट क्या है? रूलर, वो लिख लेंगे। और अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लेंगे, उन फर्स्ट 2 एलिमेंट का एक सेट लिख लेंगे, तो पेन और इंक। फिर नेक्स्ट थर्ड का ले लेंगे हम, पेन एंड रूलर। और अब हमने फर्स्ट 2 के साथ कर लिया है, अब एक रह गया इंक रूलर। इंक रूलर को भी हम लिख लेंगे यहाँ पर सबसेट में, तो ये आ जाएगा इंक एंड रूलर। अब हम नेक्स्ट सबसेट लिखते हैं, वो 3 एलिमेंट्स का सेट है, वो पेन, इंक, रूलर। जो सबसेट सेम हो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है और ये अब टोटल सबसेट्स को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारे पास 7 बन रहे हैं, हमने टोटल 8 बनाने हैं। तो कौन सा सबसेट मिसिंग है? देखिए हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट भी हम लिख लेंगे। अब हम इसी तरीके से पार्ट सी और पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट सी, लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट सबसेट हम क्या लिखते हैं? एम्प्टी सबसेट लिखते हैं जो हर एक का सबसेट है। और इसी तरीके से जैसे कि पार्ट ए में हमने 2 एलिमेंट्स के सबसेट लिखे थे कि पहला सिंगल एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं, वो थाईलैंड है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो उसका सबसेट लिख लेते हैं, वियतनाम है। और इसी तरीके से फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट का सबसेट जो कि सेम सेट है यानी इम्प्रॉपर सबसेट इसको कहते हैं, वो लिख लेते हैं, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब ये नोट करें कितने सबसेट होने चाहिए, 2 पावर 2 सबसेट होने चाहिए। कितने हो गए? 4 सबसेट। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 सबसेट आ गए। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी, लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ सेट एस इक्वल टू AEIO। ऑल सबसेट ऑफ सेट एस विल बी, यहाँ पर हमने इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो जैसे पिछले तमाम क्वेश्चन में किया था कि एम्प्टी सबसेट सबका हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला सबसेट एम्प्टी सेट लिख लिया, उसके बाद हमने सबसेट सिंगल एलिमेंट के सबसेट लिखने हैं। सेट ए, एलिमेंट ए का सेट लिख लिया, फिर एलिमेंट ई, देन आई, ओ। 2 एलिमेंट का सबसेट लिखना है, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट हम ले लेंगे, फर्स्ट का साथ ए के साथ आई को, तो ये ए आई ए ई हो गया है। फिर हमारे पास ए आई के साथ कंबाइन कर लेंगे, फिर ए को ओ से कंबाइन कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट ए के बाद हम ई के साथ ई आई हम सबसेट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सेट जो है ई ओ जो है हम बना लेंगे। अब ए ई के बाद आई ओ जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम 3 एलिमेंट्स के साथ सेट्स लिखते हैं, सबसेट्स लिखते हैं। तो पहला हमारे पास सबसेट बन जाएगा ए ई आई, दूसरा सबसेट ए ई ओ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए ई के बाद ए ई आई ए ई ओ। अब ए आई के साथ कंबाइन कर लेते हैं, ए आई ओ। अब नेक्स्ट है ई आई के, ई और आई को हम ले लेते हैं, ई आई ओ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सबसेट है वो जो रिमेनिंग सबसेट है वो प्रॉपर इन सबसेट लिख लेंगे, वो हमारे पास है ए ई आई ओ। इम्प्रॉपर सबसेट हमने लिख लिया है लास्ट, सेम सेट को कहते हैं हम। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और आपको बताया था कि 2 पावर n यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी पावर हम 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें, तो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 16। तो ये 16 सबसेट्स आ गए हैं, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 16, लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ए पार्ट ए के इक्वल टू XY। अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए मैंने बहुत डिटेल से अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर की प्रॉपर, इम्प्रॉपर और तमाम सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया है। आप उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, वहाँ दिया हुआ है इसमें, और आप वहाँ से देख सकते हैं। उस लिंक के जरिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉपर सबसेट, ए सेट इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ सेट बी कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी ए और बी इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। तो जो ए और बी इक्वल सेट है वो आपने नहीं लिखना प्रॉपर सबसेट में। तो जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे लिख लें, लेकिन जो सबसेट बी के सेम सबसेट है वो आपने नहीं लिखना। तो सेम सेट के अलावा जो सेट बनेंगे और उनकी जो तादाद होती है वो पावर n-1 होती है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी पावर 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लें, उसमें से एक एलिमेंट कम कर देते हैं। तो जो अब क्वेश्चन पार्ट ए में जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिए हुए हैं एलिमेंट के इक्वल टू XY। तो प्रॉपर सबसेट कितने बने, 2n-1। तो यहाँ पर मैंने इसके सबसेट लिख दिए हैं। पहला एम्प्टी सबसेट आ गया है, दूसरा सेट X आ गया है, तीसरा XY, और जो बाकी एलिमेंट्स है बाकी तीसरा सबसेट जो बनेगा वो XY बनेगा, वो इम्प्रॉपर है, वो तो K के इक्वल ही होगा। तो इसलिए वो जो सेम सेट है वो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है पार्ट बी, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो पहला सबसेट इसी तरह एम्प्टी होगा, दूसरा सिंगापुर और तीसरा मलेशिया सबसेट हम लिख लेंगे, और इसके गेट ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में जो सबसेट्स हैं एम सेट दिया हुआ है 3, 4, 5, इसके सबसेट ले लेंगे हम। पहला सबसेट जो है इसी तरह एम्प्टी आएगा, और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ एम्प्टी सबसेट। और सेकंड सबसेट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 3, फिर 4, सिंगल एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, और फिर नेक्स्ट है 5, और फिर फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लें 3, 4, एंड लास्ट 2 एलिमेंट 4, 5। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फर्स्ट थर्ड 3, 5। अब हम काउंट करते हैं, ये बनते हैं 3 एलिमेंट, 2 पावर 3, 8 में से -1 करें तो कितने एलिमेंट होंगे, 7। तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 16 पार्ट डी, फाइंड ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ n इक्वल टू ABCD। के पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं और उसके बाद सिंगल एलिमेंट के सेट लिखते हैं और फिर इसी तरह ऑनवर्ड लिखते हैं। और ये इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2n-1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट n शो करता है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल 2 पावर 4 - 1, 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 सबसेट इसके होने चाहिए, और इसका पहला सबसेट हमने क्या होगा, वो एम्प्टी होता है। हर एम्प्टी हर सेट का सबसेट है। इसी तरह अब हम पहला सिंगल एलिमेंट लिख लेंगे A, फिर हम लिख लेंगे B, फिर C, और इसी तरीके से फिर हमारे पास D आ जाएगा। अब हमने ये हमारे पास 5 सबसेट आ गए हैं। नेक्स्ट सबसेट कैसे होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ देखेंगे, जैसे A का B के साथ, फिर A का C के साथ, फिर A का D के साथ। आपने याद रखना है कैसे। तो यहाँ पर पहले A B लिख लेंगे हम, फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, A C, फिर क्या आ जाएगा, A D। तो अब B के साथ हम करेंगे कि B C से और बी डी से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे B C and B D। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लिख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट क्या है, AB है। तो हम AB को लिख लेंगे, ये AB आ गया है। AB से हम रिलेशन देखेंगे, देखें अगर AB से लें तो AB C के साथ आएगा, तो यहाँ पर और D के साथ आएगा, ABC AB D। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं A B C पहला, नेक्स्ट आ जाएगा A B D। फिर हम क्या करेंगे, AC से लिखेंगे, AC के साथ D रह गया है, तो हमारे पास ACD हो जाएगा, ACD, और नेक्स्ट सबसेट हमारे पास आ जाएगा BCD। अब जो लास्ट सबसेट है वो है सेम सेट लिखना है, वो हम क्योंकि नहीं लिखेंगे, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये 15 है। तो नोट करें कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और अब यहाँ पर कोई मिस हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। एंड CD इज मिसिंग, वी राइट हेयर CD। ये टोटल अब हमारे पास 15 हो गए हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन।